झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विभिन्न सौगातें दी गई, लेकिन खेल के क्षेत्र में झारखंड अव्वल है और लेकिन खिलाड़ियों को भी लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें कई प्रोत्साहन राशि पहले भी दिया है, लेकिन आज के मौके पर भी उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया गया। देख सकते हैं हम ये जो स्टॉल लगाया गया है तीरंदाजों के लिए तीर धनुष सभी यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ हॉकी है, कई तरह के जो खेल सामग्री है सभी स्टॉल पर ये लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ कुलदीप बेदिया जी है और इन्हें ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रोत्साहन राशि, क्या कहेंगे आज सरकार के द्वारा इतनी राशि मिली है, कैसा लगा, अगर बात ही कर कैसा लगा इतना बड़ी राशि मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना मुझे सम्मानित किया, मुझे स्टेट खेल में शुरू से ये तीरंदाजी पसंद था कि और कुछ खेल पसंद था, क्रिकेट हॉकी, लेकिन आपने तीरंदाज को ही क्यों चुना? सर तीरंदाजी मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम पहली बार देखे थे उसमें, जब खेलने के लिए उतना आगे और क्या क्या है, कहाँ तक जाना, ओलंपिक खेलने का इरादा है, तैयारी चल रही है? जी सर, अगले 2024 में ओलंपिक खेल की तैयारी करने की सपना मुझे है। चलिए और लोग से बात करेंगे जो तीरंदाज से जुड़े हुए, क्या कहिएगा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पहल को कैसे मानते, तीरंदाजों को प्रोत्साहन राशि दे रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही खेल को लेकर पूरा एक्टिव रहते हैं, जो भी हो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो फुटबॉल हो, इसको लेके क्या कहेंगे? अभी एक अच्छे लेवल पे हम लोग अभी लेटेस्ट जो उपकरण है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन का जो आ रहा है, जो वर्ल्ड लेवल में अभी चल रहा है, उस लेवल का धनुष अभी हम लोग को मिलना स्टार्ट हुआ है, जिससे हम लोग अच्छा लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक लेवल पे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। आप कोच हैं, तीरंदाज के कोच हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करेंगे, खेल के प्रति उनका हमेशा सोच सकारात्मक ही रहा है, क्या कहेंगे इस पहल को कैसे मानते हैं? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है और आज खेल के क्षेत्र में एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए, जो एक खिलाड़ी बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भी टूर्नामेंट है उसमें खिलाड़ी बेहतर करें, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न खेल केंद्र का निर्माण किया गया है और वहाँ आधुनिक प्रशिक्षण का भी व्यवस्था किया गया है। सवाल एक है तीरंदाज को लेकर ही है, अभी भी कई ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, बालक है बालिका है, जिन्हें तीर धनुष तो नसीब तो नहीं होता लेकिन वो जगह भी नहीं है, स्टेडियम भी नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे, सरकार से क्या बोलेंगे? देखिए इसके लिए खास करके राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर में डेवलपिंग सेंटर का निर्माण कराया जाए ताकि हर एक पंचायत में जो खिलाड़ी हैं वो उस केंद्र से जुड़ सके और उसको जो भी आधारभूत संरचना है खिलाड़ी को खेल को डेवलप के लिए तो उसको मिल सके और पंचायत स्तर से खिलाड़ी तैयार होकर राज्य स्तर राष्ट्र स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जा सकते हैं। चलिए तीरंदाज की बात करेंगे और कई तरह के स्पोर्ट्स में हैं यहाँ पे हॉकी के बारे में क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने स्टॉल लगाया है खेल सामग्री को लेके, इस पहल को कैसा बात मानते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और क्या भविष्य देखते हैं इन सभी खेलों के लिए? देखिए हमारे विभाग के द्वारा यह स्टॉल लगाया गया है खेलकूद युवा कार्य विभाग के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री खेल के प्रति बहुत सजग हैं, जिन्होंने आज हमारे एक तीरंदाजी प्लेयर जो 36 नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी तरह से हमारे कॉमनवेल्थ में जीत के आए, फिर हमारे 36 नेशनल लॉन बॉल में लोग जीत के आए, सभी को प्रोत्साहन राशि विभाग के द्वारा दिया गया है और खेल के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अगर खेल से भी आप रोज़गार पा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, इन्हीं सबको बच्चों लोगों का भविष्य बनाने के लेकर के हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं हैं हमारी सरकार की वो सारी योजनाएं की गई है, जो बच्चों के जो भी क्षेत्र में दूर दराज गाँव में हैं लोग जो उनके तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये स्टॉल लगा करके हमारे जो भी बच्चों के माताएं पिते आ रहे हैं उन्हें हम लोग बाकायदा बता रहे हैं, प्लस उन्हें ये भी सूचना दे रहे हैं कि खेल के
द्वारा लोगों को किस स्तर तक वो लोग पहुंच सकते हैं और अपना रोजगार पा सकते हैं। चलिए, इन्होंने अच्छी 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 पहल इन्होंने कहा है कि ये स्टॉल खेल को लगाए, जो बच्चे दूर दराज ग्रामीण से है वो खेल की योजनाओं कैसे लाभ लें वो यहाँ पे आके पहुँचे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है जिससे खिलाड़ी जो उनका लाभ ले सके। सहयोगी चंदन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।